टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हुआ मॉरिशस में तेल रिसाव। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में मॉरिशस के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हिंद महासागर में जहाज से तेल रिसाव होने के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। यह घटना ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व के पास हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक वेटलैंड है। तेल रिसाव होने की वजह से वहां पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया है। भारत ने तेल रिसाव से निपटने के लिए सामग्री और एक्सपर्ट टीम मॉरिशस भेजी है। आइए जानते हैं क्यों हुआ तेल रिसाव। जापान की नागाशिकी शिपिंग लिमिटेड कंपनी का एमवी वाकाशिको नामक 300 मीटर लंबा जहाज ब्राजील जा रहा था। इसमें लगभग 4000 मीट्रिक टन ईंधन भरा हुआ था। यह जहाज मॉरिशस के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हिंद महासागर में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र और प्रमुख पर्यटन स्थल के करीब फंस गया। खराब मौसम के कारण जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सका एवं जहाज में दरार हो जाने की वजह से तेल का रिसाव शुरू हो गया। आइए डालते हैं एक नजर तेल रिसाव से होने वाले नुकसान एवं इसे साफ करने के तरीकों पर। बात करें नुकसान की तो इससे समुद्री जीव जंतुओं का भोजन और आवास बर्बाद हो जाता है। तेल रिसाव के कारण पक्षियों और स्तनपायियों में हाइपोथर्मिया हो जाने से उनकी मौत हो सकती है। अब जानते हैं तेल रिसाव को साफ करने के तरीके। सबसे पहले देखते हैं कृत्रिम तरीके, जिसमें शामिल है स्किमिंग। इसमें तट रेखाओं से सटे संवेदनशील क्षेत्रों तक तेल को पहुंचने से पहले समुद्र की सतह यानी सी सरफेस से तेल को हटा दिया जाता है। दूसरा इन सीटू बर्निंग, इसके तहत किसी एक क्षेत्र में तेल इकट्ठा हो जाने के बाद तेल के उस विशेष भाग को जला दिया जाता है। इसके अलावा केमिकल डिस्पर्सेंट, इसके जरिए तेल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कर दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव इसे आसानी से खा लेते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक क्रियाओं की यानी नेचुरल एक्शंस की। जलीय वातावरण में प्राकृतिक क्रियाएं जैसे अपक्षय, वाष्पीकरण, पायसीकरण, बायोडिग्रेडेशन और ऑक्सीकरण तेल रिसाव को कम करने और प्रभावित क्षेत्र की रिकवरी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व पर। ब्लू बे मरीन पार्क मॉरिशस के दक्षिण पूर्व तट पर माहेबोर्ग के निकट स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 353 हेक्टेयर है। यहाँ लगभग 38 प्रकार की कोरल प्रजातियां एवं 72 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2008 में इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्र में तेल रिसाव होने के कारण पक्षियों और स्तनपायियों में हाइपोथर्मिया हो जाने से उनकी मौत हो सकती है। दूसरा, स्कीमिंग के तहत किसी एक क्षेत्र में तेल एकत्रित हो जाने के बाद तेल के उस विशेष भाग को जला दिया जाता है। तीसरा, ब्लू बे मरीन पार्क मॉरिशस के दक्षिण पूर्व तट पर माहेबोर्ग के निकट स्थित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।